नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद। वर्तमान वीडियो में आपको यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में सातवें स्थान पर आके विराजमान हो जाते हैं तो वो क्या प्रभाव देंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी प्रदान करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, सातवां स्थान जो है, सातवां भाव, वह होता है पार्टनरशिप का भाव, रिलेशनशिप का भाव और आपकी धर्म पत्नी का भाव। और इस स्थान को अपन शुक्र का स्थान भी मानते हैं। शुक्र यानी कि जो अपने राक्षस हैं उनके जो गुरु हैं वो हैं शुक्र, और देवताओं के जो गुरु हैं वो हैं बृहस्पति। तो जब देवताओं के गुरु बृहस्पति, राक्षसों के गुरु शुक्र के घर में आके विराजमान हो जाते हैं तो इनको, ऐसे व्यक्ति को, दोनों गुरुओं का अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। क्या प्रभाव प्राप्त होगा? ऐसा व्यक्ति अत्यधिक भाग्यवान होगा, नम्र होगा, धैर्यवान होगा, बुद्धि उसकी बहुत ही तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि का होगा और श्रेष्ठ होगा ऐसा व्यक्ति। किंतु यह भी शास्त्रों में कहा गया है कि जब दोनों गुरुओं यानी कि गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्र, गुरु जो हैं शुक्रदेव जो हैं, उनकी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि पड़ती है या फिर वो साथ में होते हैं तो दोनों के जो प्रभाव हैं उनको थोड़ा कम कर देते हैं। क्योंकि एक तो है देवताओं का गुरु और दूसरा है राक्षसों का गुरु, तो उनके विचारों में, उनके दृष्टिकोण में थोड़ा फर्क तो है ही। तो इसी वजह से वो मिश्रित फल देंगे ऐसे जातक को, और जो जो उनको मिलने वाला है जातक को बृहस्पति की वजह से या शुक्र की वजह से, उन दोनों में थोड़ी थोड़ी कमी आ ही जाती है। और ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है वह शादी के पश्चात ही होता है। जातक धार्मिक कार्यों में संलग्न रहता है, यह भी देखा गया है। और इसके अतिरिक्त जो चंद्रमा है उनकी स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है कि उनकी पारिवारिक स्थिति, घर की स्थिति कैसी होगी। यदि जो चंद्रमा है वो बलि है, स्वग्रही है, उच्च स्थान में, उच्च राशि में विराजमान है तो ऐसी स्थिति के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और यदि चंद्रमा नीच के हैं, वक्री है, तो ये गलत परिणाम देते हैं या फिर शुभ परिणामों को कम कर देते हैं। तो लग्न के अंदर, फर्स्ट हाउस के अंदर यदि सूर्य विराजमान है और सातवें घर में बृहस्पति विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषाचार्य होता है। और इसकी जो नेगेटिव बात है, पॉजिटिव बात तो मैंने आपको बता दी, ज्योतिषाचार्य होगा, लेकिन नेगेटिव बात क्या होगी? नेगेटिव बात होगी कि वो बड़ा आराम पसंद, थोड़ा आलसी होगा। और यदि बृहस्पति सातवें स्थान पर नीच के हैं और शनि नवें स्थान के ऊपर हैं, यानी कि भाग्य भाव में शनि विराजमान हैं, तो ऐसा व्यक्ति चोर, छली, कपटी हो जाता है। और यदि नवें स्थान के ऊपर यानी कि भाग्य भाव के अंदर शनि के स्थान पर बुध विराजमान है और जो अपना बृहस्पति है वो सातवें स्थान पे है, तो ऐसे जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं, बल्कि मैं यहां तक कहूं कि परेशानियों से भरा हुआ रहता है उसका वैवाहिक जीवन। आशा करता हूं ये सभी जानकारियां आपको लाभ प्रदान करेंगी। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार। नमस्कार।